जिस तरीके से फ्री फायर में ओबी अपडेट के बाद सीएस रैंक के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से फ्री फायर में ओबी अपडेट के बाद बीआर रैंक के अंदर भी काफी सारे चेंजेस होते हैं। और जिस तरीके से बंदे अपनी सीएस रैंक की रैंक को पुश करते हैं, उसी तरीके से काफी सारे बंदे बीआर रैंक में अपनी रैंक को पुश करते हैं। और बीआर रैंक में रैंक पुश करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसे आप काफी आसानी से पुश कर सकते हो। सीएस रैंक में काफी आसान होता है रैंक पुश करना। और जैसे ही अपडेट आया फ्री फायर के अंदर सीएस रैंक का, तो न्यू सीजन आ गया, सभी बंदे इस पर अपनी रैंक को बढ़ाने लगे हैं और साथ ही साथ कुछ बंदे बीआर रैंक में भी अपनी रैंक को बढ़ा रहा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सीएस रैंक का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता दिया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बीआर रैंक का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जिसका यूज करकर आप 1v4 भी कर सकते हो और उसके साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन से आप काफी ज्यादा बोया भी निकाल सकते हो और काफी सारे किल भी आप कर सकते हो, जिससे बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा रैंक इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से आपकी होने वाली है तो काफी मस्त आज का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीआर रैंक का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको एक्टिव स्किल कैरेक्टर में यूज करना है के कैरेक्टर का। अब यदि आप बीआर रैंक खेलते हो, सीएस रैंक खेलते हो, कस्टम खेलते हो, तीनों मोड में के कैरेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो के कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है, इससे हमें ईपी मिलती है, इससे हमें एचपी मिलती है, और जो हमें ईपी मिलती है उसी को हम एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बीआर रैंक के अंदर आपको जगह जगह पर मशरूम मिलते रहती है और इनहेलर वगैरह भी मिलते रहते हैं, जिससे आपको ईपी मिल जाएगी और उस ईपी को आप के कैरेक्टर की मदद से एचपी में कन्वर्ट कर सकते हो। और बीआर रैंक के अंदर इस तरीके से आपको एचपी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और के कैरेक्टर का यूज करकर आप अनलिमिटेड एचपी ले सकते हो। आप यदि किसी टीम के ऊपर रश करते हो, किसी एनिमी के ऊपर रश करते हो, तो आपको के कैरेक्टर का एचपी वाला मोड ऑन कर लेना है, फिर आपकी जो ईपी है एचपी में कन्वर्ट होते जाएगी। सामने वाला बंदा आपको डैमेज देगा, लेकिन आपकी जो एचपी अपने आप बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से के कैरेक्टर आपका बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले एक्टिव स्किल में आपको यूज करना है के कैरेक्टर का। अभी चलते हैं सेकंड कैरेक्टर। तो गाइज यहां पर आपको यूज करना है लिक्विटा कैरेक्टर का। अब यदि आप बीआर रैंक खेलते हो, आप कोई भी बीआर रैंक के अंदर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करते हो, उसके साथ आपको यूज करना है लिक्विटा कैरेक्टर का। इसकी पहले क्या एबिलिटी, मैंने यहां पर एक एनिमी को नॉक किया, अब मैं उसे जैसे ही कंफर्म करूंगा तो आप देखना, अभी मेरी जो मैक्स एचपी 230 है, अब उसे मैंने जैसे ही कंफर्म किया तो मैक्स एचपी मेरी 255 हो चुकी है एक बंदे को किल करने पर। अब यहां पर आप देख सकते हो दो बंदे आ चुके हैं, तो एक को मैंने नॉक किया, नॉक पर इसकी एबिलिटी काम नहीं करती, आपको किल करना पड़ता है, और दो को नॉक कर दिया। अभी मेरी मैक्स एचपी 255 है, अब इसे मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा तो आप देख सकते हो मेरी मैक्स एचपी 280 हो चुकी है, और इसे भी कंफर्म किया तो इस पर मुझे कोई भी अंतर नहीं पड़ा। तो यदि आप बीआर रैंक के अंदर दो किल कर ले तो आपकी मैक्स एचपी 50 और बढ़ जाती है, और यदि बेस्ट एचपी बूस्टर रहा तो 30 और बढ़ जाती है। इस तरीके से आपकी जो मैक्स एचपी 280 हो जाती है। फिर आप किसी भी एनिमी से फाइट लेते हो तो उसको आप काफी आसानी से निपटा सकते हो, क्योंकि सामने वाला एनिमी तो आपको डैमेज देते रहेगा, आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप सामने वाले एनिमी को कम गोली भी मारोगे तो वो निपटने वाला है, क्योंकि सामने वाला एनिमी आपको मारते रहेगा और आपको उसे कम ही टाइम में निपटाकर चले जाना है। तो यदि आप लिक्विडेटर का यूज कर दो तो आपको 50 एक्स्ट्रा एचपी देखने के लिए मिल जाती है, जितनी आपकी एचपी उसके ऊपर से 50 एचपी और। तो इसलिए आपको सेकंड में यूज करना है लिक्विडेटर का। अब यदि बात करें तीसरे कैरेक्टर की, तो गाइस यहां पर आपको यूज करना है बोलफ्रा कैरेक्टर का। अब देखो बीआर रैंक के अंदर क्या होता है, काफी सारे बंदे हमें हेडशॉट मारकर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हेड पर इतना ज्यादा डैमेज पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता और सामने वाला एनिमी हमें निपटाकर चले जाता है। लेकिन यदि आप बोलफ्रा का यूज कर दो तो सबसे पहले तो आप एनिमी को 30% ज्यादा हेड का डैमेज दे पाओगे। यदि आपके ऊपर 3 स्पेक्टेटर आ जाते हैं तो उसकी मदद से यदि आप सामने वाले एनिमी को हेड मारते हो तो उसको हेड पर 30% ज्यादा डैमेज पड़ेगा, और यदि सामने वाला एनिमी आपको हेड से डैमेज देता है तो आपको वहां पर 30% कम हेड का डैमेज पड़ने वाला है। कोई भी एनिमी आपको वन टैप नहीं मार पाएगा, क्योंकि आपको हेड पर कम डैमेज लगेगा, और यदि आप बोलफ्रा का यूज कर दो तो आपको भी कम डैमेज पड़ेगा हेड का, और यदि आप सामने वाले एनिमी को हेड का डैमेज देते हो तो उसको ज्यादा पड़ेगा। और यदि आप अच्छा खासा हेडशॉट मारना जानते हो तो आपको बोलफ्रा का यूज जरूर से करना चाहिए। आप इसका यूज अटैकिंग के लिए भी कर सकते हो और सेफ गेम प्ले के लिए भी कर सकते हो, दोनों तरीके से इसकी एबिलिटी काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम एनिमी को हेड मारते हैं लेकिन उसको बहुत ही कम का हेड पड़ता है, लेकिन यदि आप वहां पर बोलफ्रा का यूज करते हो तो इसकी मदद से आप सामने वाले एनिमी को ज्यादा ज्यादा का हेड मार सकते हो, जिससे वो एक दो गोली में ही निपट जाएगा, क्योंकि हेड का डैमेज इतना ज्यादा पड़ता है। और ऊपर से यदि बोलफ्रा की एबिलिटी का यूज करते हो तो और भी ज्यादा हेड का डैमेज पड़ता है, और आपको जो हेड का डैमेज पड़ेगा वो भी कम पड़ने वाला है। तो इस तरीके से बोलफ्रा की एबिलिटी काम करती है। तो तीसरे पर आपको यूज करना है बोलफ्रा का। अब फोर्थ नंबर पर आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर का। अब लूना कैरेक्टर की दो दो एबिलिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है, और ये एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। तो सबसे पहले लूना की ये एबिलिटी है कि हमारी जो गन का रेट ऑफ फायर है उसको 8% तक बढ़ा देती है। गाइज आप समझ ही सकते हो, यदि आपकी गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा रहेगा तो आप
सामने वाले एनिमी को ज्यादा हिट मार पाओगे और उसको कम ही समय में निपटा दोगे, क्योंकि जब तक एनिमी की 3-4 गोली आएगी उतने समय में आपकी 5-6 गोली चल जाएगी। तो रेट ऑफ फायर का यही काम रहता है, आपकी गन का यदि रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है तो आप किसी भी एनिमी को बहुत ही कम समय में निपटा दोगे। और इसकी दूसरी एबिलिटी यह है कि हम किसी भी एनिमी को नॉक करते उसके आसपास में कोई भी एनिमी रहता है तो वहां पर क्या सीन होता है, हमारी जो मूवमेंट स्पीड है वो भी यहां पर बढ़ जाती है 15% तक। तो आप समझ सकते हो इसकी तरफ से तो आपको मूवमेंट स्पीड भी देखने के लिए मिल जाती है और उसके साथ ही साथ गन का रेट ऑफ फायर भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप किसी भी एनिमी को बहुत ही कम समय में निपटा दोगे। सामने वाले एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने निपटाया है और आप उसे निपटाकर भी चले जाओगे। इस तरीके का सीन यहां पर लूना कैरेक्टर कर देगी और यदि आप इस कैरेक्टर का यूज कर तो आपकी गन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो फोर्थ में आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर का। तो यदि बात करें इस कॉम्बिनेशन की, सबसे पहले यूज करना है के कैरेक्टर का, उसके बाद बोल्फ्रा का, उसके बाद लुकेटा का और लास्ट में आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर का। और आपको यहां पर फाल्को पेट का भी यूज कर लेना, आपको इसकी मदद से फास्ट लैंडिंग में हेल्प मिलेगी। तो फाल्को पेट का आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है। अब यदि बात करें इस कॉम्बिनेशन की तो आपको बीआर रैंक में किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा, सबसे पहले बात करते हैं के कैरेक्टर की। उसकी मदद से आपको अनलिमिटेड एचपी देखने के लिए मिल जाएगी, आपको एचपी की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर इसके बाद है लिक्विटा कैरेक्टर, आपकी जो एचपी है सामने वाले एनिमी से 50 एचपी ज्यादा रहने वाली है, जिससे आप 2-3 बंदों को तो काफी आसानी से निपटा सकते हो। फिर इसके बाद आता है लिक्विटा कैरेक्टर, उसकी मदद से यदि आप सामने वाले एनिमी को हेड मारते हो तो सामने वाले एनिमी को हेड का डैमेज 30% ज्यादा लगेगा और यदि कोई भी एनिमी आपको हेड से डैमेज देता है तो आपको 30% कम हेड का डैमेज लगने वाला है। और लास्ट में यहां पर आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर का, इसकी मदद से आपकी गन की पावर बढ़ने वाली, आपका गन का रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा, जिससे आप किसी भी एनिमी को बहुत ही कम समय में निपटा दोगे और इससे आपको मूवमेंट स्पीड भी मिलने वाली है। तो इस तरीके से यदि आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हो आप 1v4 भी काफी आसानी से कर सकते हो, किसी भी एनिमी को बहुत ही आसानी से निपटा सकते हो और यदि आपको एनिमी निपटाएगा तो आपको कम डैमेज पड़ेगा, आपकी एचपी भी ज्यादा रहने वाली और यदि एचपी कम होती है तो के कैरेक्टर आपकी एचपी बढ़ा देगा। इस तरीके से बीआर रैंक के अंदर यह कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वर्क करता है। तो आप बीआर रैंक के अंदर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज कर देखना, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।